हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड। ऑलरेडी मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन एक्सप्लेन किया हुआ है, सो ये उसी की कॉन्टिन्यूएशन है, इसलिए आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन जरूर देखें एंड देन इसको कॉन्टिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेकंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल यूरेथ्रा। सो मेल यूरेथ्रा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूरेथ्रा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो ये है कि ये पैसेज जो है ये कॉमन है यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। सो सीमन क्या है? स्पर्म्स और जो भी जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं दोनों मिलकर सीमन बनाती हैं, तो सीमन भी यहीं से आते हैं और यूरेथ्रा से ही यूरिन भी पास होता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सो मेल यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस टू द टिप ऑफ द पेनिस। नाउ जो मेल यूरेथ्रा वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। सो ये ब्लैडर है, ये डोम शेप का आप देख रहे हैं। सो ब्लैडर के यहां पर ये क्या है, ये एक स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, या फिर इसको एक और चीज भी बोलते हैं, दैट इज इंटरनल ओपनिंग या फिर इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफाइस। ओरिफाइस का क्या मतलब है? ओपनिंग। तो यहां से नेक ऑफ द ब्लैडर से ये स्टार्ट हो जाता है यूरेथ्रा, एंड एंड इसका कहां पर होता है? टिप ऑफ द पेनिस। सो ये टिप है पेनिस की, यहां पर इसका एंड हो जाता है। ऑब्वियसली जो यूरेथ्रा है मेल का वो लॉन्ग होगा फीमेल यूरेथ्रा से। सो लेंथ इसकी कितनी होती है मेल यूरेथ्रा की? 16-20 सेंटीमीटर हो सकती है। नाउ द मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड्स द कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। ये कॉमन पाथवे है फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन भी यहीं से फ्लो होता है और सीमन भी। द कंबाइंड सिक्रीशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्योंकि यूरिन भी यहीं से पास होता है यूरेथ्रा से और सीमन भी यहीं से पास होता है, तो क्या दोनों एक टाइम पर पास हो सकते हैं? सो इसका आंसर है नो। दोनों एक टाइम पर पास इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब पीनस की या फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन की इरेक्शन होती है उस टाइम पर यहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पर सिर्फ पीनस में से सीमन पास हो सकता है, यूरिन उस टाइम पर पास नहीं हो सकता। बट क्या हो सकता है कि सपोज इजैक्युलेशन हो गई, सीमन पास हो गया, उसके बाद कुछ सीमन के रेमिनेंट्स पीनस में रह गए, तो उसके बाद जब मेल ने यूरिन पास किया तो क्या हो सकता है कि यूरिन के साथ साथ कुछ मिल्की सिक्रीशन मिक्स होकर आ सकती है जिससे क्लाउडी यूरिन फॉर्म हो सकता है, क्लाउडी यूरिन दिख सकता है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों एक टाइम पर रिलीज नहीं हो सकते। देन देयर आर टू यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। अब यूरेथ्रा में दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो मैंने आपको यही बता दिया कि नेक ऑफ द ब्लैडर पर ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और एक यहां पर प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बीच में। यहां पर ये कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट है? दिस इज एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। नाउ स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि यहां पर इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल में होता है। इनवॉल्यूंट्री मींस ये हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता। सो ये डिपेंड करता है कि ब्लैडर की कितनी कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की, तो वो उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है ये वॉल्यूंट्री कंट्रोल में होता है, मींस ये हमारी विल में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यूरिन की अर्ज हो जाती है कि हमको यूरिन पास करना है, राइट, लेकिन फिर भी हम उसको काफी टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कि जो कि हमारे कंट्रोल में है। तो इंटरनल स्फिंक्टर होता है अंडर इनवॉल्यूंट्री कंट्रोल एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। कहां पर सिचुएटेड होता है? एट द नेक ऑफ द ब्लैडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के अबव प्रेजेंट है, नेक ऑफ द ब्लैडर में प्रेजेंट है। देन एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है? ये अंडर वॉल्यूंट्री कंट्रोल होता है, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, दैट इज वॉल्यूंट्री कंट्रोल। देन इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। इसमें स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेनस पार्ट को सराउंड कर रहा है। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है यहाँ पर, तो इसको सराउंड कर रहा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। देन उसके बाद आता है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। नाउ जो मेल यूरेथ्रा है इसके थ्री पार्ट हैं, बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है। देखो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है वहां से जो यूरेथ्रा गुजर रहा है, पास हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो जो यूरेथ्रा पेरिनियल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और यहां पर ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज पीनस यहां तक, तो जो यूरेथ्रा पीनस से पास हो रहा है दिस इज पेनाइल यूरेथ्रा। नाउ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इट ऑरिजिनेट्स एट द यूरेथ्रल ऑरिफाइस ऑफ द ब्लैडर एंड पासिस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है?
इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, यहाँ से इंटरनल ओपनिंग से स्टार्ट हुआ है और प्रोस्टेट ग्लैंड तक ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है। देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट है, छोटा है एंड नैरोएस्ट पार्ट है, सबसे नैरो है, एक्सटेंड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड टू द बल्ब ऑफ द पीनस आफ्टर पासिंग थ्रू द पेरिनियल मेम्ब्रेन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा खत्म हुआ वहाँ से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया एंड देन ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं? ये है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो ये मैंने पार्ट वन में भी बताया, या फिर इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये एक सिक्रीशन रिलीज करता है जो कि पीनस को लुब्रिकेट करता है, पीनस को लुब्रिकेट करता है, उसको प्रीकम भी बोलते हैं या फिर प्री इजैकुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले रिलीज होता है। तो एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले ही पीनस को फीमेल जेनिटल ट्रैक से विड्रॉल कर लेना, दैट इज विड्रॉल मेथड। लेकिन वो 100% रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्रीकम रिलीज हो रहा है कॉपर ग्लैंड से, ये इजैकुलेशन, एक्चुअल इजैकुलेशन से पहले रिलीज हो रहा है लुब्रिकेट करने के लिए पीनस को, ताकि फ्रिक्शन ना हो। बट यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ पहले के स्पर्म पड़े हो सकते हैं, कहाँ पर? पीनस में, पिनाइल यूरेथ्रा में। तो इसकी सिक्रीशन क्या है, उन स्पर्म्स को साथ लेकर आ सकती है, इसलिए जो विड्रॉल मेथड होता है वो 100% रिलायबल नहीं होता। देन आता है पिनाइल और स्पॉन्जियोसा यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा कहाँ लाई करता है? विद इन द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पीनस। सो ये है पीनस, सो इसलिए जो यूरेथ्रा पीनस से पास हो रहा है उसको क्या बोला है? पिनाइल यूरेथ्रा। अब पिनाइल यूरेथ्रा में भी ये कहाँ से पास होता है? पीनस के ना कुछ टिश्यू होते हैं जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें से एक टिश्यू है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में से ये पास होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जियोसा यूरेथ्रा भी बोलते हैं। सो ये टर्मिनेट होता है एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, ये यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग पर एंड हो जाता है, या फिर आप बोले यूरेथ्रल मीटर्स पर ये एंड हो जाता है। नाउ पीनस के बारे में पढ़ेंगे। पीनस क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेशन में हेल्प करता है। सो पीनस का काम क्या है? पीनस इन एडिशन टू कंडक्टिंग यूरिन, ये यूरिन के साथ साथ सीमन को लेकर जाता है और ये सीमन को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स किस में ट्रांसफर करा देता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, राइट? द पीनस हैज अ, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, रूट बॉडी जिसको शाफ्ट भी कहते हैं एंड हेड जिसको ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सो ये है रूट, ये क्या है? रूट। नाउ रूट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पेरिनियल मेम्ब्रेन से। सो ये पेरिनियल मेम्ब्रेन है, यहाँ से पीनस स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसकी रूट हुई, रूट या फिर बेस। अब ये यहाँ तक क्या है? पूरा बॉडी है, बॉडी या फिर इसको शाफ्ट भी बोलते हैं। और ये जो इसका हेड है, ये क्या है? टिप हेड, जिसको ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर ग्लैंड्स पीनस भी बोलते हैं। अब ये जो बॉडी होती है ना, मेन शाफ्ट, ये यूरेथ्रा को कैरी करती है जो कि पिनाइल यूरेथ्रा है। अब ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है, मैंने आपको बताया था ये कहाँ से पास होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। सो ये इसके टिश्यू हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इसके ये थ्री पार्ट्स हो गए। अब रूट कहाँ पर लाई करी है? पेरिनियम में, पेरिनियल मेम्ब्रेन में लाई करती है। बॉडी सराउंड द यूरेथ्रा, बॉडी यूरेथ्रा को सराउंड करती है क्योंकि इसके अंदर से यूरेथ्रा पास होता है और इसके अंदर से भी कहाँ से? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास होता है। देन एट द टिप ऑफ द ग्लैंड्स पीनस इज स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस या फिर ओपनिंग। अभी हमने पीछे भी यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? टिप पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस। तो यहाँ पर ये टिप है, यहां पर क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, जहां से ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की। देन इट इज फॉर्म बाय सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब ये किससे बना हुआ है? पीनस इरेक्टाइल टिश्यू से, इसलिए इसमें इरेक्शन हो सकती है। इरेक्टाइल टिश्यू एंड स्मूथ मसल से ये बना हुआ है। द इरेक्टाइल टिश्यू इज सपोर्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू एंड कवर्ड विद स्किन एंड हैज अ रिच ब्लड सप्लाई। अब ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, ये स्किन से कवर्ड है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फाइब्रस टिश्यू कवर कर रहा है। अब जो इरेक्टाइल टिश्यू है वो तीन है, कौन कौन से तीन है? इट कंटेन्स थ्री मासेज ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, दो लेटरल कॉलम्स जिसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड
द कॉलम इन बिटवीन इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि दो तो लेटरल कॉलम है, मीन साइड वाले कॉलम है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैवर्नोसा या फिर कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। और ये जो इन दोनों के बीच में है वो क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अब यहां पर इसको बीच में से कट करके दिखाया है, मींस इसको अगर बीच में से कट करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये जो साइड वाले हैं ये दो हैं, ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसा। और ये जो बीच वाला है ये क्या है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की ये जो बीच में आपको छोटी सी ओपनिंग दिखाई दे रही है ये क्या है? यूरेथ्रा। तो इसी के बीच में से यूरेथ्रा पास होता है। सो यूरेथ्रा कहां से पास होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ऑफ द पीनस, यहां से पास होता है। नाउ एट इट्स टिप इट इज एक्सपेंडेड इनटू अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नोन एज ग्लैंड्स पीनस। अब यहां पर टिप पे आप हेड पे क्या देख रहे हो? एक ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, राइट? तो ये ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर क्या है? इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स पीनस। और ये जो ग्लैंड्स पीनस है ये कवर होता है किससे? एक स्किन से कवर होता है। और वो स्किन क्या होती है? लूज होती है, मींस डिटैच होती है, वो अटैच नहीं होती ग्लैंड्स पीनस से। लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रिप्यूस बोलते हैं। तो वो जो स्किन होती है ना वो जस्ट यहाँ यहाँ पर अटैच होती है, इसके बाद वो स्किन ये क्या होती है? फ्री होती है। जैसे कि ये आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर दिख रहा है, तो ये स्किन क्या है? फ्री है। और ये स्किन क्या है? ये मूवेबल होती है, ये मूव हो सकती है, मीन्स ये अटैच नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट से अटैच है, बाकी ये फ्री है। अब कई केसेस में ये जो फोर स्किन होती है ये रिमूव कर दी जाती है, कोई रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, कल्चरल बिलीफ हो सकता है, या फिर सर्जिकली भी कई बार इसको रिमूव करना पड़ता है। सो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन। सो रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज नोन एज सर्कमसीजन। ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल द थ्री बंडल्स ऑफ टिश्यूज इन द पीनस बिकम एंगोश विद ब्लड एंड इरेक्ट, इसेंशियल फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। नाउ ये क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू है, तो इसका वर्क क्या है? इरेक्शन। इरेक्शन का जो पर्पस है वो क्या है? इरेक्शन का पर्पस है कि जो पीनस है वो इरेक्ट हो सके, ताकि जो स्पर्म है वो इजिली फीमेल जेनाइटल बॉडी में पास हो सके, ट्रांसफर हो सके, विच इज एसेंशियल फॉर, जो कि क्यों जरूरी है? सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए, राइट? तो इरेक्शन कैसे होती है? ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल, सेक्शुअल अराउजल के टाइम पर क्या होता है? थ्री बंडल्स ऑफ टिश्यू, ये जो तीनों बंडल ऑफ टिश्यू है कौन से हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये तीन हैं, दो कॉर्पस कैवर्नोसा एंड वन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसमें क्या है? ब्लड फील हो जाता है एंड दे बिकम एंगोश विद ब्लड, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड फील हो जाता है और जिससे क्या हो जाती है? इरेक्शन हो जाती है, विच इज एसेंशियल फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स। नाउ पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये होता है, दैट लीड्स टू फिलिंग ऑफ स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू विद ब्लड। पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इसमें ब्लड फील हो जाता है, कॉज्ड बाय आर्टीरियल डायलेशन। इसमें क्या होता है? ये जो आर्टीरियल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती हैं एंड वीनो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेन्स, जो वेन्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, मीन्स बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो पीनस में ही भरा रहेगा, वापिस वीनस रिटर्न नहीं होगा। इरेक्शन के टाइम पर ऐसा होता है, तो विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द पीनस एंड ऑब्स्ट्रक्ट आउटफ्लो। उससे क्या हो जाता है? पीनस में ब्लड का जो फ्लो है वो भर जाता है और जो आउटफ्लो है, क्योंकि वेन्स क्या हो गई हैं? वेन्स नैरो हो गई हैं, तो उसकी वजह से ब्लड वापस वेन्स में नहीं जाता। तो ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पीनस का स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे इजैकुलेशन के बारे में। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन विच अकर्स एट मेल ऑर्गेजम, सबसे पहले इजैकुलेशन क्या है? देखो इजैकुलेशन होता है कि स्पर्म्स का रिलीज होना, स्पर्म के साथ क्या रिलीज होगा? सीमन रिलीज होगा, राइट? तो सीमन का रिलीज होना पीनस से, मीन्स कॉपुलेटरी ऑर्गन से रिलीज होना, दैट इज इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन विच अकर एट मेल ऑर्गेजम, स्पर्मेटोजोआ आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एपिडाइडमस एंड पास थ्रू द डेफरेंट डक्ट, द इजैकुलेटरी डक्ट एंड द यूरेथ्रा। तो ये जो वे है स्पर्म्स का पास होने का, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट वन में। तो कैसे होता है? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स निकलते हैं, देन उसके बाद वास इफरेंस में जाते हैं, एपिडाइडमस में जाते हैं, उसके बाद कहाँ से पास होते हैं? डिफरेंट डक से, डिफरेंट डक से इजैकुलेटरी डक में आते हैं, एंड देन उसके बाद बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशन डालती हैं इसमें, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल,
और देन यूरेथ्रा से एंड देन बाहर आउट ऑफ द बॉडी इजैकुलेशन हो जाती है. द सीमन इज प्रोपेल्ड थ्रू पावरफुल रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल इन द वॉल्स ऑफ डिफरेंट डक्ट. द मसल कॉन्ट्रैक्शंस आर सिंपैथेटिकली मेडिएटेड. नाउ ये जो इजैकुलेशन होती है ये क्यों होती है, एक पावरफुल रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं स्मूथ मसल्स की. तो वहाँ की जो वॉल्स हैं डिफरेंट डक्ट की, स्मूथ मसल्स जो है वहाँ पर रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण इजैकुलेशन होता है. देन मसल्स इन द वॉल ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स एडिंग देयर सिक्रीशन इनटू द फ्लूइड पासिंग थ्रू द जेनाइटल डक्ट्स. नाउ क्योंकि स्पर्म्स पास हो रहे हैं तो स्पर्म के साथ साथ ग्लैंड से भी सिक्रीशंस आती हैं, स्पर्म्स के साथ ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिक्स होती है तब जाकर वो सीमन बनता है और इन सिक्रीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. तो प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, इन सब में भी कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड ये अपनी सिक्रीशन छोड़ते हैं उसमें. द फोर्स जनरेटेड बाई दीज कॉम्बाइंड प्रोसेसिस लीड्स टू एमिशन ऑफ द सीमन थ्रू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर. तो जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वहां से जो इजैकुलेशन है वो हो जाती है एंड देन तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वहां से रिलीज हो जाता है सीमन, तो उसको बोलते हैं इजैकुलेशन. नाउ सीमन क्या होता है, देखो बिटवीन 2 to 5 मिल्स ऑफ सीमन इज प्रोड्यूस्ड इन अ नॉर्मल इजैकुलेट. जो नॉर्मल इजैकुलेट है उसमें 2 to 5 मिल्स ऑफ सीमन इजैकुलेट होता है. अब 1 मिल में कितने मिलियंस स्पर्म्स होते हैं, 40 to 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं 1 मिल में. देन सीमन इज स्लाइटली अल्कलाइन. अब ये मैंने बताया था कि जो सीमन की सिक्रीशंस होती हैं वो अल्कलाइन होती है. क्यों अल्कलाइन होती है, क्योंकि ये जो ग्लैंड सिक्रीट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ये क्या है, अल्कलाइन सिक्रीशंस छोड़ती हैं. ताकि जो एक इसका फर्स्ट रीजन तो ये है अल्कलाइन होने का सीमन का, कि एक तो जो यूरिन है वो भी उसी रास्ते से पास हो रहा है तो स्पर्म डैमेज ना हो जाए, इसलिए अल्कलाइन इसका होता है ताकि यूरिन को न्यूट्रलाइज कर सके, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है. देन स्पर्म्स ने कहाँ पर जाना है, वेजाइना में जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना है, तो वहां पर भी एसिडिक एनवायरमेंट होगा वेजाइना का, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना है ताकि स्पर्म डैमेज ना हो सके. तो इसलिए दोनों फंक्शन है सीमन के अल्कलाइन होने का, ये दो पर्पस है. देन स्पर्म कंप्राइजेस ओनली 10%. अब जो स्पर्म या फिर सीमन है, देखो स्पर्म अकेले तो रिलीज नहीं होते, साथ में सिक्रीशंस रिलीज होती है, तो दोनों के मिक्सचर को कहते हैं सीमन. तो सीमन में जो स्पर्म है वो सिर्फ कितने होते हैं 10%, बाकी का सारा क्या होता है वो सिक्रीशंस होती हैं. तो द रेस्ट कंटेन्स सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल. जो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी आती है, सेमाइनल वेसिकल, उसकी सिक्रीशन होती है सबसे ज्यादा. देन प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की, which are added to the sperms during male orgasm as well as mucus produced in the urethra. और mucus भी produce होता है urethra में. तो ये सारी secretions हैं, सिर्फ 10% sperm होता है. Then if not ejaculate, sperms gradually lose their fertility after several months and reabsorb by the epididymis. अब अगर ejaculate नहीं होता, अगर male ejaculation नहीं करता, तो वो sperms का क्या होता है, वो sperm release तो हुए नहीं, तो वो क्या होते हैं, वो अपनी fertility को lose कर देते हैं और several months के बाद वो दोबारा से एपिडाइडिमस में ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज सिंपली, जहां भी जेनेसिस वर्ड आ गया दैट इज द फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्म्स की फॉर्मेशन. तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म क्या है, सेम ही है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ये कहां पर होता है, टेस्टिस कहां पर प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है. तो स्क्रोटम में जो टेम्परेचर है वो 3 degrees कम होता है बॉडी से. तो सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर हो सकती है, एट अ टेम्परेचर अबाउट 3 degrees Celsius बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वहीं पर हो सकती है स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन. अगर जो टेस्टिस होंगी वो स्क्रोटम में नहीं आई और एब्डोमेन में ही रह गई, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, तो क्या होगा कि बॉडी में हीट ज़्यादा होने की वजह से 37 degrees Celsius क्या है, हीट है, हॉट टेम्परेचर है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, तो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे. नाउ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सो मैंने बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है. और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं किससे लाइन होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स से. तो देखो ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और यहाँ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है, क्यूब लाइक सेल्स, और ये सेल्स क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. और ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स को क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं, जहां से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस.
एंड मेच्योर एज दे पास थ्रू दी लॉन्ग एंड कॉन्वोलेटेड एपिडाइडिमस. और ये मेच्योर कहाँ पर होते हैं? एपिडाइडिमस में, वेयर दे आर स्टोर्ड. और वहाँ पर ये स्टोर भी होते हैं और मेच्योर भी होते हैं. राइट, अब देखते हैं इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस. तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड लाइक सेल्स जो हैं, ये क्या है, इनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. तो इस स्पर्मेटोगोनिया को मैं यहां पर ड्रॉ कर रही हूं. सो ड्यूरिंग सेक्शुअल मैच्योरेशन क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इट अंडरगोज माइटोसिस. ये माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करता है और क्या बनाता है, टू सेल्स बनाता है. नाउ ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है, ये है मेल जर्म सेल्स. राइट, स्पर्मेटोगोनिया. तो ये जर्म सेल्स क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं. क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, मीन्स 2n होते हैं. 2n क्यों होते हैं? देखो हमारे बॉडी में जो सारे सेल्स हैं वो क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है. ओनली स्पर्म जो है वो हैप्लॉयड है, मीन्स जो मेल गैमीट है वही हैप्लॉयड होता है. ऐसे ही फीमेल में जो मेल गैमीट है दैट इज एग, वो हैप्लॉयड होगा जिसका नंबर क्या होगा, n होगा. ये बाकी सेल्स 2n क्यों है, ताकि ये आगे डिवाइड होकर रिडक्शन इनमें डिवीजन हो सके जिससे ये स्पर्म बन सके. सो मेल जर्म सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है. अब माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए इसका जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आई है जिसमें ये डिवाइड हुआ है सेल्स में, वो भी क्या होंगे, 2n होंगे. नाउ ये कुछ सेल्स तो क्या है जो कि स्पर्म का आगे डिवीजन करेंगे, मीन्स वो आगे डिवाइड होते जाएंगे और स्पर्म की प्रोडक्शन करेंगे. तो इसको हम बोल देते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. और कुछ होते हैं सेल्स जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन तो नहीं करते लेकिन वो डिवाइड होकर माइटोसिस के थ्रू ही और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं, और ज्यादा ऐसे सेल्स बनाते हैं, इनको हम बोल देते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. तो ये जो है ये दोबारा से साइकिल में इसी में चला जाएगा और माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता रहेगा ताकि स्पर्मेटोगोनिया बनते रहे और ये मेंटेन रहे. अब ये जो स्पर्म है जो कि एज अ प्रिकर्सर वर्क करते हैं, मींस स्पर्म की आगे प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दोबारा डिवाइड होता है किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू. और वो भी कौन सा मियोसिस, सबसे पहले मियोसिस वन होता है. तो मियोसिस वन क्या है, ये है रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन मींस अब जो डिप्लॉयडी है वो हैप्लॉयडी हो जाएगी, मींस जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा. तो ये भी एन, ये भी एन. अब इसको बोला हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये दोबारा डिवाइड होता है थ्रू मियोसिस और ये डिवाइड होकर क्या बनाएगा, तो यहां पर क्या हुआ, मियोसिस सेकंड, एम सेकंड में लिख रही हूं. तो ये दोबारा डिवाइड, जो मियोसिस सेकंड है वो है इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए ये एन का क्या रहेगा, एन ही रहेगा. अब ये जो दो बने हैं ये क्या है, ये है स्पर्मेटिड्स. क्या बोलते हैं इनको, स्पर्मेटिड्स. अब ये जो स्पर्मेटिड्स है ये मैच्योर नहीं है अभी स्पर्म. इसमें क्या है, अभी और मॉडिफिकेशन होगी, डिफरेंशिएशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो ये देन फिर ये किसकी तरह दिखेंगे, स्पर्म्स की तरह, जिसमें एक टेल भी होगी. राइट, देन ये स्पर्म की तरह दिखेंगे. तो स्पर्मेटिड से क्या बने, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है. स्पर्मेटिड से स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस. देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में पूरा प्रोसेस आ जाता है. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, मींस स्पर्मेटिड्स चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, स्पर्म्स में, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. नाउ अब देखो ये एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो बना रहा है आगे, अब ये वाला भी इधर बनाएगा. तो इट मींस जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे किससे कितने बन सकते हैं स्पर्म्स, फोर स्पर्म्स बन सकते हैं. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है ना, यहाँ पर ये जर्म सेल्स तो प्रेजेंट ही है, क्यूबॉइडल सेल्स, यहाँ पर कुछ टॉल सेल्स भी प्रेजेंट हैं. और इन टॉल सेल्स को क्या बोलती हैं, सर्टोली सेल्स.
क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। अब ये जो स्पर्म बने हैं ना, ये स्पर्म यहाँ पर आ तो गए हैं, लेकिन अभी इनको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। अब ये नरिशमेंट के लिए इसके अंदर अपना सिर घुसा लेते हैं, हेड अपना एम्बेडेड कर लेते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर। एंड देन ये यहाँ से दोबारा रिलीज होंगे नरिशमेंट लेकर। तो यहाँ पर इसने ये नरिशमेंट ले ली और ये सर्टोली सेल्स ने इसको अब रिलीज कर दिया। सर्टोली सेल से रिलीज होना वो है प्रॉपर स्पर्म जो आगे पास होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल से डक्ट्स में। ऐसे बिना नरिशमेंट के जो स्पर्म है वो आगे पास नहीं होगा, सर्टोली सेल से ही नरिशमेंट लेगे। सर्टोली सेल्स क्या है, नर्व सेल्स है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। तो सर्टोली सेल से इस स्पर्म के हेड का रिलीज होना या फिर स्पर्म्स का रिलीज होना सर्टोली सेल से क्या कहलाता है, परमिएशन। सुनाओ, परमिएशन क्या है कि जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं कहां से, सर्टोली सेल से, फॉर फर्दर पैसेज थ्रू द डक्ट्स, ताकि ये आगे फर्दर पास हो सके कहां से, डक्ट से। मींस अब ये तैयार हैं डक्ट से पास होने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्म कैसा होता है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले मैं ये वाला इरेज करूंगी ताकि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ। सो स्पर्म्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं, मोटाइल सेल्स हैं, ये मूव कर सकते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये होता है स्पर्म का हेड, ये होता है इसका स्पर्म का बॉडी, या फिर मिडल पीस भी इसको बोल सकते हैं। ये होती है स्पर्म की टेल, समटाइम्स जो टेल होती है वो हेड से भी लंबी होती है। ओके, सो ये है हेड। तो इसके तीन पार्ट क्या है, हेड, बॉडी एंड अ लॉन्ग टेल यूज फॉर मोटिलिटी। ये जो टेल है ये मोटिलिटी के लिए यूज होती है, स्पर्म मूव करता है इससे। तो हेड में क्या होता है, देखो हेड में होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए। तो हेड में क्या होता है, डीएनए होता है, और इसके हेड के आगे ना ये ऐसे पॉइंटेड सा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो स्पर्म्स की हैप्लॉयडी है वो क्या हो गई, एन। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटिड्स हैं वो क्या होंगे, एन ही होंगे, और उनसे स्पर्म्स जो बनेंगे वो भी एन होंगे। तो ये स्पर्म क्या हो गए, हैप्लॉयड हो गए। अब ये हैप्लॉयड क्यों है, क्योंकि ये आके जाके एग के साथ फ्यूज करेंगे, जो जिससे फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाएंगे। तो एग भी क्या है, एन है, इसलिए जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो दोबारा से जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन हो जाएगा और 2n होगा। दैट्स व्हाई जो स्पर्म्स है वो हैप्लॉयड होते हैं। तो अब स्पर्म्स ने क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करना है, राइट। तो एग को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म को क्या करना होगा, करने के लिए स्पर्म को क्या करना होगा, स्पर्म को इसके अंदर एंटर होना होगा एग के अंदर। तो एंट्री के लिए इसके आगे ये एक्रोसोम बना होता है, पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और उस एंजाइम का नाम क्या है, हायलोरोनिडेज प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। सो ये एंजाइम का क्या काम है, जो स्पर्म है उसकी हेल्प करना फीमेल जो एग है ओवा उसमें पेनिट्रेशन के लिए। तो इट इज रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द आउटर लेयर ऑफ ओवम टू रीच एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, फ्यूजन हो सके और जायगोट बन सके। नाउ बॉडी इज पैक्ड विद माइटोकॉन्ड्रिया, बॉडी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये क्या है, बॉडी, और इस बॉडी में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो स्पर्म का पावर हाउस क्या है, उसकी बॉडी जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। यही माइटोकॉन्ड्रिया टेल की मोटिलिटी में हेल्प करेगा, ताकि स्पर्म है वो स्विम हो सके, आगे मूव हो सके। सो ये है हेड एंड दिस इज द टेल, ये तो नजर ही आ रही है, ये इतनी बड़ी टेल। सो ये थ्री पार्ट्स हैं। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया टू फ्यूल द प्रोपेलिंग एक्शन ऑफ द टेल, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करेगा आगे प्रोपेल करने को, मीन्स आगे मूव होने को स्पर्म को, दैट पावर्स द स्पर्म अलॉन्ग द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, और फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ये हेल्प करेगा उसकी मोटिलिटी को। नाउ प्यूबर्टी इन मेल, मेल में प्यूबर्टी कब आती है, सो इट अकर्स एट द एज ऑफ 13 and 16, 13 से 16 साल के बीच में आ सकती है। मेल हॉर्मोन जो कि प्यूबर्टी में हेल्प करता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन। देन दिस हॉर्मोन इन्फ्लुएंसेज द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी टू सेक्शुअल मेच्योरिटी। अब चेंजेस क्या क्या आते हैं सेक्शुअल मेच्योरिटी में या फिर मेल प्यूबर्टी में, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन्स एंड मार्क इंक्रीज इन हाइट एंड वेट।
मसल ग्रो होती है, बोन ग्रो होती है, हाइट बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है. नाउ एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, आपने मेल्स में देखा होगा कि जो लैरिंग्स है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, डीप जो वॉइस है वो डीप हो जाती है. ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन चेस्ट, एब्डोमन, फेस, एक्सिला एंड प्यूबिस, बहुत सारे हेयर ग्रो हो जाते हैं फेस पर, चेस्ट पर, एब्डोमन पे, एक्सिले में, प्यूबिस पे. देन एनलार्जमेंट ऑफ पीनस, स्क्रोटम एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनका एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है. मैच्यूरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अभी मैंने बताया है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कब होगा, प्यूबर्टी पर स्टार्ट. तो अभी जो हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो मैच्यूरेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते और प्रोडक्शन स्पर्मेटोजोआ की स्टार्ट हो जाएगी. द स्किन थिकन्स एंड बिकम ऑयलियर, स्किन जो है ऑयली हो जाएगी, थिक हो जाएगी विद एजिंग, बिगनिंग एट अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज टेस्टोस्टेरोन ग्रेजुअली डिक्लाइंस. तो क्या होता है कि फीमेल में मेनोपोज, जिसमें मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है एट अबाउट द एज ऑफ 50 ईयर्स. नाउ हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. सो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है वो क्या सिक्रीट करता है, GnRH क्या है, गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन. सो दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, गोनाड्स पे एक्ट करेगा, राइट, टेस्टिस पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अब ये क्या करेगी, ये दो हार्मोन सिक्रीट करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एल से याद रखना, ये किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल पे. और जो लेडिक सेल होते हैं ना, सपोज ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो एक लोब्यूल में एक से चार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं. सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टीशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, और इस इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होती है, ये लेडिक सेल्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, जो कि जर्म सेल है, जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं. अब स्पर्म की प्रोडक्शन हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वो किसके इन्फ्लुएंस में होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूबर्टी के लिए, राइट, टेस्टिस के लिए. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, ये लेडिक सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं. लेडिक सेल्स का क्या काम है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट है, इसको इसलिए इसको इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं. नाउ ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं. टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, राइट, स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. एंड ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, अभी हमने पढ़ लिया प्यूबर्टी का ऑनसेट या फिर सेक्शुअल मैच्योरिटी भी इसी वजह से होती है. तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. पॉजिटिव का क्या मतलब है, कि ये चलता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है, LH रिलीज होता जा रहा है, लेडिक सेल्स बन रहे हैं, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस ना रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी FSH भी सिक्रीट करती है. FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो S से याद रखना, बीच में S है, तो S किसको स्टिमुलेट करेगी, सर्टोली सेल्स को. सो सर्टोली सेल्स हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक लॉन्ग या फिर टॉल सेल्स भी हैं, जो कि क्या है, सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स में ही तो वो जो स्पर्म है वो अपना हेड घुसा लेता है और नरिशमेंट लेता है. सो दीज आर सर्टोली सेल्स. सो FSH इनको भी स्टिमुलेट करते हैं. प्लस FSH क्या करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन. ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो क्यूबॉइडल सेल है, इस पर भी एक्ट करते हैं. इस पर एक्ट करते हैं तो क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की मैच्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है. स्पर्मेटोगोनिया पर एक्ट करते हैं ताकि स्पर्म प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो सके. तो FSH के दो काम क्या है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो अंदर प्रेजेंट है ना दोनों सेल्स, सर्टोली सेल भी और ये जर्म सेल्स भी, इन दोनों पर एक्ट करना, ठीक है. और जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो लेडिक सेल पर एक्ट करती है, मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक्ट कर रही है. अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट हैं इंटरस्टीशियल स्पेस में, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन. अब टेस्टोस्टेरोन बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहिए तो अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में ही तो स्पर्म प्रोडक्शन होगी ना, तो इसको अंदर कौन लेके जाएगा टेस्टोस्टेरोन को. तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो टॉल सेल्स हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, एक तो इसका काम हमने देख लिया कि ये स्पर्म को नरिश करते हैं,
क्योंकि हेड उसमें एम्बेडेड हो जाता है। दूसरा इसका काम क्या है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेन एंड्रोजन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन रिलीज कर रहा है, ये रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स। अब ये सर्टोली सेल्स इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करेंगे। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, यहां पर टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड करेगा। टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर ये कहां पर ले जाएगा, इसको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो एक सर्टोली सेल्स का ये भी काम है। दूसरा सर्टोली सेल्स का क्या काम है, इनहिबिन इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट करना। अब इसका क्या काम है देखो, अब ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स चल रहा है, मतलब ये होता जा रहा है, चलने दो इसको ऐसे चलता जाए। अब अगर ये चलता ही जाएगा, ऐसे होता ही रहेगा, तो बहुत ज्यादा ही टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा, बहुत ज्यादा ही एबीपी रिलीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही स्पर्म बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो ऐसा तो करना नहीं है। तो इसलिए ये जो सर्टोली सेल्स हैं या फिर ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। ये जो हो रहा है मींस जब इसका इंक्रीज अमाउंट उसको लगेगा हो गया है, इनफ हो गया भाई, अब रुक जाओ, तो ये क्या करेगा, इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को और इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस को भी क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स भेजेगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि अब इनका सिक्रीशन स्टॉप कर दो, इनहिबिट कर दो, सो दैट इज इनहिबिन। तो इनहिबिन क्या होगा कि इनहिबिन क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इनिशिएट करेगा, जिससे वैसे तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है लेकिन इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ FSH। FSH नहीं होगा तो आगे ये सब नहीं होगा। तो जब जरूरत पड़ती है तो ऐसा भी हो जाता है। अब इधर साइड भी ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी ऐसा ही करता है, सेम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भेजता है कि जब बहुत इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई कि अब स्टॉप कर दो, LH को स्टॉप कर दो। तो ये है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे कॉमन से जल्दी से, कौन कौन से डिसऑर्डर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, मैंने बार बार बता दिया पार्ट वन में, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है कि टेस्टिस हमेशा से स्क्रॉटम में प्रेजेंट नहीं होती, वो एबडमन में प्रेजेंट होती है। एबडमन जब फीटल लाइफ होती है ना, मींस जब बेबी वॉर्म में होता है, वोम में क्या होता है कि वो जो टेस्टिस है वो आना स्टार्ट हो जाती है, नीचे डिसेंड होना स्टार्ट हो जाती है थ्रू इंग्विनल कैनाल। अगर डिसेंड नहीं होती, नीचे नहीं आती स्क्रॉटम में, तो अनडिसेंडेड टेस्टिस भी बोलेंगे उसको। स्क्रॉटम में नहीं आएगी तो क्या होगा, बॉडी में रह जाएगी। क्या बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन हो सकती है, नहीं हो पाएगी, स्पर्म डैमेज हो जाएंगे। क्यों, बॉडी के अंदर तो हीट है। तो क्या होगा कि जो मेल है वो स्टेराइल मेल होगा, तो मेल स्टेरिलिटी हो जाएगी, मीन्स उसके जो स्पर्म्स है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों होता है, बाय डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय फील टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देन आता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज एन ओवम। स्पर्म जो कि डैमेज हुए स्पर्म है, मीन्स वो स्पर्म जो कि फर्टाइल नहीं है, वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। देन इनकम्पिटेंसी क्या होता है, इनएबिलिटी टू अचीव और होल्ड एन इरेक्शन ऑफ पीनस लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो इनकॉम्पिटेंसी क्या होता है कि जो पीनस है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मीन्स वो इरेक्शन होल्ड नहीं कर पा रहा। जब पीनस इरेक्ट नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या होगा, स्पर्म का जो ट्रांसफर है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में वो नहीं हो पाएगा। देन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या फिर BPH। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ रहे हैं हम, उसके बारे में है ये। बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि उसका साइज एनलार्ज हो जाना। तो एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। इससे क्या होता है, जब ये लार्ज हो जाता है तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो वो उसको कंप्रेस करता है, यूरेथ्रा को, मींस उस पे प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है, नाइट टाइम तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, नाइट के टाइम पर और प्रेशर पड़ता है तो यूरिनेशन बार बार होती है। ये मेनली जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें होता है। देन डिफिकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन, डिफिकल्ट यूरिनेशन होती है और पेनफुल यूरिनेशन होती है। इसमें क्या होता है, नाइट टाइम पर तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है लेकिन डिफिकल्ट और पेनफुल यूरिनेशन के कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन रहता है। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन में क्या होगा, अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो यूरिन जो रिटेन हो जाता है ब्लैडर में ही, वो वहां पर क्रिस्टलाइज होकर किडनी स्टोन्स बना सकता है, इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है, इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो इससे क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है।
देन प्रोस्टेट कैंसर, ये भी कॉमन है, कॉमन मैलिग्नेंसी है मेल्स में, यूजुअली स्टिमुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज अमाउंट से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। देन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस, इससे क्या होता है टेस्टिस का ही रिमूवल कर दिया जाता है, टेस्टिस नहीं होंगी तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मार्कर एंजाइम, अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं और अगर उसमें एसिड फोस्फेट का अमाउंट ज्यादा है, नॉर्मली क्या होता है 4.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है, अगर उससे ज्यादा है तो इट मीन्स वो प्रोस्टेट कैंसर को शो कर रहा है। देन आता है इंग्विनल हर्निया, इंग्विनल हर्निया भी मैंने बताया था, ये जो टेस्टिस हैं एब्डोमेन से स्क्रोटम में कैसे आती है, एक कैनाल होती है, एक पाइप जैसी होती है जिसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, और उस इंग्विनल कैनाल से एब्डोमेन से इंटेस्टाइन भी कई बार आ जाती है किसी वजह से, कोई प्रेशर पड़ रहा है ज्यादा स्ट्रेनिंग की वजह से, तो अगर इंटेस्टाइन भी स्क्रोटम में आ गई तो उसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। देन आता है हाइड्रोसील, हाइड्रोसील क्या होता है, जो टेस्टिस होता है उसमें फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है। तो आई होप आपको पार्ट सेकंड भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समझ आया हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।